हेलो जय बाबे दी मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सारे ठीक से होंगे। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल मैं बच्चों के पास आई हूँ चंडीगढ़, तो काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो आज मैंने सोच लिया मैं आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं लंच की तैयारी करूँगी, घर में तो यही काम होता है, और उसके बाद जो भी होता रहेगा दिन में तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए बने रहिए आप सभी मेरे साथ। सो मेरे YouTube फैमिली, आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने दूध बॉईल करने के लिए दूध पतीले में रख दिया, और थोड़ा सा दूध मुझे पूजा करने के लिए चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा दूध कटोरी में रख लेती हूँ। तो इसके बाद मैं दूध बॉईल करने के लिए रखती हूँ गैस पर, और इसके बाद मैं पनीर को अच्छी तरह से धो के कटिंग करके साइड में रख लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज लंच में बनाने जा रही हूँ मैं शाही पनीर, और मिक्स सब्जी बना दिया था सुबह सुबह। तो चलिए मैंने पनीर काट के तैयार कर लिया, इसको थोड़ा सा धो लेती हूँ एक बार, तो साइड में रख लिया मैंने। और एक बार मैं अपने पूजा के लिए जो दूध रखा था इसमें शहद दही ये सब कुछ मिला के पूजा के लिए रख लेती हूँ, थोड़ा सा शक्कर भी मिला दिया मैंने। तो यहाँ मैं तरुष के लिए दूध और ओट्स भी तैयार कर रही हूँ साथ में। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम पनीर और ग्रेवी के लिए 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और एक छोटा सा अदरक रखा है। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल लगा लेती हूँ मैं, और इसके बाद चॉपर में मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और अदरक काट के रख लेती हूँ। तो चलिए यहाँ कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची और साथ में जीरा और धनिया लगाने वाली हूँ सबसे पहले। तो इसके बाद प्याज लगा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन होते तक पकाएंगे प्याज को। प्याज के ब्राउन होते तक मैं ग्रेवी बना लेती हूँ बाकी टमाटर और प्याज के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
सो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। तो इसके बाद मैं इसमें पनीर लगा के थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देती हूँ। तो और इसके बाद मैं लास्ट में डालूँगी इसमें छोटा सा बटर और मेथी और थोड़ा सा धनिया, हरी धनिया। तो चलिए, सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लंच तैयार कर दिया है। सुबह सुबह सब्जी भी बना दिया था, तो अभी शाही पनीर बना के तैयार बिल्कुल फ्री हो गई हूँ मैं। अब थोड़ा किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, तो बाकी आगे देखते हैं दिन में क्या क्या होता है। तो चलिए मेरे YouTube फैमिली, इस बार मैंने अपना रूटीन चेंज किया है। तो सबसे पहले मैंने अपना दिन को बेड, सोफ़ा, चेयर सब कुछ त्याग दिया है और मैंने अपना मैट्रेस लगा रखा है नीचे। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपना यहाँ नीचे बैठ जाती हूँ, तो इससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है, क्योंकि गांव में तो हम पूरे दिन भर बिज़ी रहते हैं, कभी घर का काम, कभी बाहर बगीचों में जाओ, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है। तो जो भी छोटे मोटे काम करते हैं तो उसके बाद मैं बेड पर नहीं लेटती हूँ, ना सोफे पर, ना फिर उसके बाद मैं यहाँ अपना मैट्रेस लगा रखा है तो इसके ऊपर बैठती हूँ। तो आप सभी को दिखा, ये रहा मेरा मैट्रेस, और साथ में बुनाई भी कर लेती हूँ मैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है मेरा दिनचर्या, पूरा दिन में कुछ ना कुछ करती हूँ। तो थोड़ी देर में यहाँ बैठ जाती हूँ अपने। मेरे YouTube फैमिली, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं मंदिर सेक्टर 25 में। तो चलिए आप सभी को भी ले चलती हूँ मैं अपने साथ। चाबी देखा वाली ने? कब पहुंचे आप मार्केट से? मैं बस अभी पहुंची। और क्या खिलाओगे?
पिलाओगे? चाय पियेंगे अभी हम। और चलो ठीक है फिर, पिलाओ पिलाओ चाय। आप लोग कहाँ गए थे मुझे बिना बताए? हम लोग गए मंदिर, मुझे धोखा देख के कहाँ चले गए चुपके मंदिर गए चुपके? तरुष के साथ। तरुष मंदिर जा रहा था तो हम दोनों भी चल पड़े, रितिका और इतने दोनों। उदास क्यों हो? फिर आप मंदिर गए हो तो खुश हो जाओ थोड़ा। नहीं, खुश हूँ ठीक। थोड़ा हंस तो लो, पिलाओ पिलाओ चाय पिलाओ बस अब। हंस तो लो। हाँ सो मेरे YouTube फैमिली, आज का वीडियो यहीं तक था। नवनीता तो मुझे तंग करती रहती है जब देखो, तो आप सभी को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।